प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से, जिसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को। आज के इस अमृत काल के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देशभक्ति से जुड़े हुए एक और गीत की, जो भारतीय सेना और भारत के गौरव को समर्पित है। हाँ, साथ ही साथ हम उस गीतकार को भी याद करेंगे जिसने आज के गीत को लिखा है। तो पहले आज के देशभक्ति के इस गीत के गीतकार कौन है ये जानें। विजुलाइज कीजिए फिल्म जंजीर के उस सीन को, जहाँ जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन खिड़की से सड़क पर गाने बजाने वालों की एक छोटी मंडली को देखते हैं। एक पुरुष हारमोनियम बजा कर गा रहा था और महिला गुनगुना रही है, और लड़का ढोलक बजा रहा था। गीत के बोल थे, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए। जैसे जैसे फिल्म में गाना आगे बढ़ता है, अमिताभ और जया को एक दूसरे के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का एहसास होता है, और उन्हें यह भी महसूस होता है कि सड़क पर खड़ा आदमी उनके अनकहे विचारों को व्यक्त कर रहा है, और अनजाने में वो उनके बारे में और उनके लिए गा रहा है। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। 1973 की फिल्म जंजीर के इस गीत की रिकॉर्डिंग रमजान के महीने में मुंबई के तारदेव में फेमस स्टूडियोज में हुई थी। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने कुछ टेक दिए थे, जिनमें से एक को कंपोजर कल्याण जी आनंद जी ने ओके भी कर दिया, लेकिन लता जी अपनी गायकी से खुश नहीं थी और एक टेक और करना चाहती थी। संगीतकार सहमत हो गए और रफी जी से अनुरोध किया, लेकिन मोहम्मद रफ़ी रोज़ा रखे हुए थे और पूरे समय खाली पेट और सूखे गले से गाना गा रहे थे। वो आराम करना चाहते थे और घर वापस जाना चाहते थे, और दोबारा गाने के वो कतई मूड में नहीं थे। संक्षेप में और अस्वाभाविक रूप से, जो रफ़ी साहब का जो उनका एक्चुअली रूप भी नहीं है वैसा, वो कल्याण जी आनंद जी पर भड़क उठे। जी हाँ, तभी जंजीर के दो गीतकारों में से एक अंदर आए और रफ़ी जी से पूछा कि क्या वो जानते हैं कि ये गीत किस पर फिल्माया जाएगा। हड़बड़ाहट में रफ़ी जी ने कहा, उन्हें नहीं मालूम। तब उस गीतकार ने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, रफ़ी साहब आपके खादिम पर, मुझ पर, आपके गुलाम पर पिक्चराइज होगा हुजूर। रफ़ी आश्चर्यचकित रह गए और उनका गुस्सा तुरंत ठंडा हो गया। वो रिकॉर्डिंग रूम में वापस आए और लता जी के साथ गाने का एक और टेक अपने हार्दिक अंदाज में उन्होंने दिया। इस बार उन्होंने गीतकार की स्क्रीन प्रेजेंस को उसके अनुरूप अपनी आवाज़ में बदला भी, हाँ बदलाव करके गाया। इसी फिल्म के लिए हमारे आज के गीतकार द्वारा लिखा गया एक और गीत दोस्ती की भावना पर हिंदी सिनेमा के गीतों में से आज भी एक मील का पत्थर माना जाता है। मियाँ यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी के लिए इस गीतकार को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। जानना चाहेंगे आज के गीतकार का नाम? चलिए इस किस्से से आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये बात है 1959 की। इसी गीतकार ने बलराज सानी की अभिनीत फिल्म सट्टा बाजार के लिए गीत लिखे थे। कहानी ये है कि जब फिल्म बन रही थी तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर का परिचय हमारे आज के गीतकार से कराया गया। उसके भड़कीले कपड़े और बिखरे बालों को देखकर डिस्ट्रीब्यूटर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके जैसा कोई व्यक्ति फिल्मों के लिए गीत भी लिख सकता है। अरे ये तो बावरा लगता है बावरा। उस डिस्ट्रीब्यूटर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो पागल आदमी की तरह दिखता है भाई। बस बस लेबल चिपक गया और गुलशन कुमार मेहता को हमेशा के लिए गुलशन बावरा के नाम से जाना जाने लगा, जो उनके अदम्य और बिंदास पर्सनैलिटी के लिए एक उपयुक्त नाम था। गुलशन बावरा की आगे की दास्तान सुनेंगे उनके लिखे आज के पेट्रियोटिक गीत पर देशभक्ति की चर्चा के बाद। गीत के बोल हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर संजय उपाध्याय और मानसी कादरे। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है हर बार की तरह ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर संजय उपाध्याय। नमस्कार। नमस्कार जी। आइए सुनते हैं ये गीत। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती,
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। ओ सुन के रहट की आवाज़ें, सुन के रहट की आवाज़ें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। क्या गीतकार देशभक्ति की बात करते हैं यहाँ या फिर किसानों के देश प्रेम की? देखिए, इस गाने में किसान और देश, इसको आप अलग नहीं कर सकते, ये अद्वैत है। भारत कृषि प्रधान देश है जी, और वो खेती की वजह से जाना जाता है। जवान तो बाद में आते हैं, जहाँ तक संरक्षण और युद्ध का सवाल है, आक्रमण का सवाल है, लेकिन जहाँ तक हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में हमें किसान की आवश्यकता है, इसलिए वो हमारे बाप हैं। किसान जो है वो हमारे बाप हैं। मुझे याद आया, हमारे इस चैनल के जो संस्थापक हैं डॉक्टर विश्वनाथ करण, वो अक्सर कहते हैं कि वो जब गांव में थे रामेश्वर में लातूर ज़िले में, तो उनका जो स्कूल था, तो स्कूल में शाम को जब जानवर वापस आते थे, गाय और बैल भैंस, तो उनके गले में जो घुंघरू रहते थे उस पर स्कूल की छूटने की सिग्नल मिलता था या इशारा दिया जाता था। स्कूल की घंटी अलग नहीं थी, स्कूल की घंटी अलग नहीं थी, वही चलता था। तो इसका मतलब यह है कि इतना वो एकरूप हो चुके हैं, हमारा देश और किसान एकरूप हो चुका है। तो इसलिए ये तो किसान की भक्ति है या देशभक्ति है, इट्स मैं तो कहता हूँ ये दूसरा शब्द है, प्रतिशब्द है देशभक्ति के लिए, वो है किसान की भक्ति, और वो यहाँ इस गाने में बहुत अच्छे तरीके से दी है, तो हम अलग नहीं कर सकते इन दोनों। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है। ओ इस धरती पे जिसने जन्म लिया, मेरे देश की धरती। हमेशा धरती को माँ का दर्जा क्यों दिया जाता है? माँ का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि धरती है जो सब निर्माण करती है, इट्स अ नॉन प्रोड्यूसेबल एसेट, आप इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप भले समुद्र को पीछे हटाओ और बैगवे बनाओ, वहाँ पे बड़ी इमारी इमारतें तैयार करो, लेकिन जमीन तैयार नहीं कर सकते आप। दीवारें तैयार कर सकते, मनुष्य एक दूसरे के बीच में दीवारें तैयार होती है, लेकिन जमीन नहीं तैयार कर सकते। तो जो जन्म स्थान है सबका, मतलब मनुष्य का ही नहीं, हर एक जीव का, हर प्राणी का, पेड़ पत्तों का, सबका जीवन दान देने वाली वही तो है। तो वो और जन्म कौन देता है, तो स्वाभाविक है उसको मान, इसलिए इस देश में, इसलिए हम भारत माता की जय, ये माता क्यों आ गई वहाँ पे, उसके कारण यही है। संत ज्ञानेश्वर पुरुष संत है, लेकिन हम उनको माउली बोलते हैं, क्यों? वो जो वात्सल्य प्रेम जिसकी बात यहाँ पे की है ममता की, तो ये धरती करती है। आपको सोने के लिए अगर बिस्तर ना भी मिले, लोग धरती तैयार है, आप उस पर सो सकते हो आराम से। कहने का मतलब ये है कि भारतीय सभ्यता जो है, उस सभ्यता
हर चीज़ के तरफ आदर्श करके कैसे देखती है, ये पूरी दुनिया ने सीखने जैसी चीज़ है कि नदी के बारे में या धरती के बारे में हम जब माँ कहते हैं उसको, तो ऐसे लैंड नहीं कहा जाता उसको, हाँ मैंने इतना एकड़ लैंड खरीदा, ऐसे नहीं है, वो माँ है। तो वो माँ का दर्जा देने के बाद टेक्निकल जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाती है और इमोशनल रिलेशनशिप शुरू हो जाती है, और वो इमोशनल रिलेशनशिप ही सही बात है आज की दुनिया में। मैं तो कहता हूँ आजकल की दुनिया ई मोशन पे चलती है, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ऐसे ई मोशन पे चलती है। ये इमोशंस की बात है, भावनाओं की बात है। तो आँख में अपने आप आंसू आ जाएंगे जब अपनी माँ के बारे में बात करेंगे, तब तो नहीं आएंगे। ये बात है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, गांधी सुभाष, गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे है चमन के फूल यहाँ, रंग हरा हरी सिंह नल में से रंग लाल लाल बहादुर से रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से मेरे देश की धरती। संजय जी, फ्रीडम, वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? आई मीन, एक सोने के पिंजरे में आप एक चिड़िया को बंद करके उसे आप रोज खाना तो दे सकते हो, लेकिन फिर भी वो अपने खुले आसमान की ओर देखती रहती है, ऐसा क्यों है? देखो, इंस्टिंक्टिव टैलेंट क्या है, इंस्टिंक्टिव नीड क्या है पंछी की, उड़ने की, तो उसको आप रोक दोगे तो क्या है? खाना पीना तो कहीं भी मिलेगा, लेकिन उसका जो इंस्टिंक्टिव है वो अंदर से आ रही आत्मा से, तो वो उड़ना ही अगर हम बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा? वैसे मनुष्य का भी है, हम स्वतंत्रता चाहते हैं इसलिए कि हम किसी भी हुकूमत के नीचे आके कोई हमें दबोच कर काम कर रहे हैं, हमसे काम करवा के ले रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। वो हमारी कुदरती आवश्यकता है कि हम मुक्ति मिले हमें, और मुक्ति अंतिम शब्द है। जैसे अध्यात्म में है वैसे व्यवहार में भी है। अध्यात्म में जो मुक्ति बताई है, एक नहीं चार तरीके की मुक्ति है बताई है, तो वो स्वरूपता, सलोकता, समीपता और सायुज्यता, ये चार मुक्ति अध्यात्म में कही है। स्वरूपता मतलब पहले देख लिया तो फिर मन में भाव निर्माण हुआ, भक्ति निर्माण हुई, फिर सलोकता, फिर उसका अवलोकन किया जी। फिर अवलोकन करने के बाद और ही भावना हमारी अच्छी हो गई उसके बारे में। समीप पता है इसलिए मैं निकट गया कि कैसे है देखने के लिए, और जाने के बाद हम एक ही हो गए, वो सायुज्य हो गए, मुक्ति। तो ये मुक्ति जैसे अध्यात्म में है वैसे ही मिट्टी के बारे में है। अगर आप मिट्टी ऐसी मुट्ठी में लेके देखते हो तो अपने आप वो मिट्टी आपसे बात करना शुरू होगी, अगर आपके कान है तो। हाँ जी। वो मिट्टी की बात सुनने के कान भी होने चाहिए ना जी। तो इसलिए ये किसानों की जब बात बनती है तो किसान तो मिट्टी के ही साथ बात करता है। किसान तो दो ही चीज़ों से बात करता है, मिट्टी से करता है और आकाश से करता है। तो ये दोनों का रिश्ता जोड़ने वाला जो कंडक्टर है वो किसान है, जो आसमान को जमीन के साथ जोड़ देता है, और उससे हमारे लिए जो खाना मिलता है वो उसी की वजह से मिलता है जी। हाँ, तो अब अगर आप आज की बात करोगे तो टमाटर का इतना सारा बवाल सुनने के बाद उस किसान को क्या लगता होगा कि जिसने मैंने टमाटर जिसने मेहनत की, हाँ मेहनत से हम जमीन से निकाले थे। तो ये सहृदयता तैयार होती है, और वो सहृदयता मिट्टी के पास है, वो सबको समा लेती है। ये सबको समा लेना जो धरती का गुण है, क्षमा, ये धरती का गुण है, तो क्षमा हमने उससे सीखनी है। तो सीखेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बात बनेगी। इसलिए ये मुझे लगता है कि इतने सारे क्रांतिकारकों का, फ्रीडम फाइटर्स का नाम लिया है, तो स्वतंत्रता शब्द जो है का मतलब ही है स्वतंत्र, तंत्र यानी टेक्निक, समझ गए? तो स्वतंत्र यानी मैं ही खुद पे कुछ निर्बंध लगा दूँ तो स्वतंत्र होता है।
बिकॉज टेक्निक बाय डिफॉल्ट इज विद लिमिटेशंस. जब तक लिमिटेशंस नहीं है, नियम नहीं है, तब तक तंत्र नहीं तैयार होता. तंत्र तभी तैयार होता है जब उसको मर्यादा है, तभी तंत्र है ना, उसको तभी टेक्निक है. तो स्वतंत्र मतलब क्या है, मैंने खुद पे नियम डालने हैं, मुझे खुद पे नियम में रहना है, दैट इज स्वतंत्र. तो ये सिखाने के लिए ये सब मानव पैदा हुए हमारे देश में. और हर एक के विचार अलग अलग रंग के हैं. तो एक शांति की बात करता है, एक क्रांतिकारी बात करता है, एक साम्यवाद की बात करता है. ये सब इकट्ठा काम कर रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं. इसलिए ये चमन है जहाँ पे ये हर कलर के, हर रंग के फूल यहाँ पे है. आज पूरी दुनिया रंगों पे तो झगड़ा कर रही है जी. झगड़ा झगड़े कहाँ पे है, रंग पे तो झगड़ा हो रहा है. हिंदी फिल्में भी अभी वो कलर पे ही झगड़े हुए बड़े बड़े, ये रंग क्यों, वो रंग क्यों करके. तो उससे परे जाना है हमें, आगे जाना है. और वो सिखाने वाले ये लोग हैं, इसलिए उनकी याद है. आखिरी पंक्तियों में वो याद दिलाई है, शास्त्री जी ने जो जय जवान जय किसान कहा था, तो वो अनुक्रम है, अनुक्रम है वो. जवान को आदर दे दो और किसान को आदर दे दो. आज हमारे यहाँ वो भी सिखाना पड़ेगा, जवान को आदर दे दो करके. तो उनकी भी मस्करी होती है कभी कभी, बुरा लगता है. फिर हमको US के एयरपोर्ट पे जब US मिलिट्री के लोग आ गए तो पूरा एयरपोर्ट खड़ा हो गया, देखने के बाद रोंगटे आ गए. मतलब ये दिलदारी हमारे यहाँ क्यों नहीं, उनको सिखाई गई है वो बचपन से. माँ ने सिखाई है घर में कि ये मिलिट्री का आदमी है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम. ये पहले सिखाया है हमारे यहाँ पे, कहाँ मालूम है किसको जी. तो ये तैयार होने के लिए जय जवान जय किसान जैसे शास्त्री जी ने कहा था वो होना चाहिए. स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध हक है, ऐसे जब तिलक कहते हैं तो हमें वो समझना चाहिए कि वो जन्मसिद्ध क्या है. तो जन्मसिद्ध का मतलब वो फ्रीडम जो है वो मनुष्य की आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत है वो. बिल्कुल सही. हाँ, और वो ज़रूरत व्यावहारिक ज़रूरत नहीं है, वो आत्मिक ज़रूरत है. हाँ, अंदर से आएगी वो. बिल्कुल, बहुत सही. थैंक यू संजय जी. हाँ जी, नमस्ते. किसी ने कहा है कि जिंदगी में कम से कम एक बार आपको एक डॉक्टर, लॉयर, पुलिस या फिर पंडित की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन दिन में 3 बार आपको एक किसान की ज़रूरत पक्का होगी. इसी के साथ चर्चा यहीं समाप्त होती है. मिलेंगे अगले हफ्ते.